दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इस एक्साइटमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश जारी है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही के अंदर ये बात का फैसला किया गया था कि इस फिल्म के ट्रेलर को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए और हॉटस्टार पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जाए। जैसा कि अनाउंसमेंट हुई थी कि इस फिल्म को हॉटस्टार यानी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर यह फिल्म रिलीज़ होगी। बहरहाल, इस फिल्म के बारे में अगर बात करें तो फिल्म के अंदर कियारा आडवाणी हैं, अक्षय कुमार हैं, राघव लॉरेंस ने इसे डायरेक्ट किया है और ये कंचना का ही साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक होने वाली है बॉलीवुड के अंदर। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस फिल्म को अब तक रिलीज़ क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कई बड़ी फिल्मों की रिलीज़ डेट आ चुकी है जो कि लाइनअप में थी और इसी के साथ ये फिल्म अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं हो रही। दूसरा सवाल ये कि फिल्म रिलीज़ तो दूर की बात, रिलीज़ डेट तो बहुत दूर की बात, लेकिन इसके ट्रेलर को ही अभी तक सामने नहीं रखा गया है। ट्रेलर की जहां एक के बाद एक डेट्स आई गई, लेकिन बताया नहीं गया कि आखिरकार कंफर्म डेट कौन सी है और ट्रेलर आखिरकार आएगा तो आएगा कब। अब फैंस यही चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ ना कुछ जवाब मिले। तो दोस्तों, हम आपके लिए जवाब लेकर आ गए हैं कि आखिरकार डिले क्यों हो रहा है। दरअसल, ये पूरी पिक्चर बन चुकी है और लगभग इसका सारा काम हो चुका है, लेकिन जब पिक्चर को एक बार देखा गया तो राघव लॉरेंस को कहीं कहीं फिल्म में कमी लगी और इसी वजह से अब इसके कुछ शूट सीन्स को वापस से शूट किया जाएगा। वापस शूट करने के बाद और इम्प्रूव किया जाएगा, जिस वजह से इस फिल्म में देरी हो रही है। राघव लॉरेंस चाहते हैं कि उनकी जो बॉलीवुड की रीमेक है वो और भी ज़्यादा अच्छी बने, जो कि नॉर्मल फिल्म से है, मतलब यानी कि जो साउथ में बनी हुई है उससे और भी ज़्यादा लोगों को दें वो, और उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा हाई है। अब इसी वजह से फिल्म में देरी हो रही है। अब देखो, जब तक ये पूरी फिल्म के अंदर जो नए सीन्स शूट होंगे और कब तक सामने आएंगी, तब देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल, फैंस तो यही आस लगाकर बैठे हैं कि जो अक्षय कुमार का जन्मदिन है 9 सितंबर, तब तक ये फिल्म सबके सामने आ जाए। आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देखो देखो को, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।